मैं हूँ आपकी अपनी ग्रेसी और मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। ग्रेसी आपके लिए कुछ ऐसी बात लेकर आई है जो पिछले वीडियो में अधूरी रह गई। तो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर के रूप में, एक्टर के रूप में, मॉडल के रूप में, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहेगी। तो बात करते हैं कि जो भी नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें गाइड कर सके, उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिनको आप ध्यान रख सकते हैं और ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। अच्छे लोग भी मिले हैं तो बुरे लोग भी मिले हैं, बस बात इतनी है कि आप कितनी समझदारी से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या इसने मेरे साथ ऐसा किया। हमने पहचानने में गलती की तो हमारी गलती ही मानी जाती है। तो अपना वीडियो शुरू करते हुए इस बात से कि जो भी नए लोग इस चमचमाती हुई दुनिया में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फेक लोग बहुत हैं इस दुनिया में। गूगल एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप कुछ भी कीवर्ड डालते हैं तो वो तुरंत कैच कर लेता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो इन डाटाज पर निर्भर करती हैं और वो आपसे कॉन्टेक्ट करती हैं। तो अगर आप अच्छी PR एजेंसी सर्च कर रहे हैं या फिर एक्टिंग के लिए इसको देख रहे हैं, ऑडिशन सर्च कर रहे हैं या फिर फोटोशूट के लिए फोटोग्राफर सर्च कर रहे हैं, तो झट से ये चीज़ें कैच कर ली जाती है और लोग आपसे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फेक लोगों की कमी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। कि जो भी ऐसे लोग कांटेक्ट करेंगे वो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, आपसे कांटेक्ट नंबर लेना चाहेंगे, आपसे डिटेल्स लेना चाहेंगे और इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि आपको बहुत अच्छी पेमेंट मिलेगी। और जो नए लोग हैं वो बहकावे में आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं और तभी उन्हें पता लगता है कि उन्हें एक मामूली सा अमाउंट पे करना होगा तब वो इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। वो इस लालच में कि अरे 50K पेमेंट होगी, 1 लाख पेमेंट होगी, तो थोड़ी सी फीस देने में कोई हर्ज नहीं है और यहाँ पर वो गलती करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो भी रियल होंगे वो कभी भी डायरेक्ट पेमेंट की बात नहीं करेंगे। वो आपसे पहले आपकी प्रोफाइल मंगाएंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे, आपका एक ऑडिशन लेंगे, उसके बाद जाके अगर आपका सिलेक्शन होता है तब जाके पेमेंट की बातें डिस्कस होती हैं। जब भी कोई इस तरह की कंपनी या एजेंसी या पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रोफाइल चेक करें, आपको उनके वर्क के बारे में पता लग जाता है। क्योंकि जिनकी भी प्रोफाइल प्राइवेट होती है इस फील्ड के कम से कम, तो समझ लीजिए कि वो फेक है। क्योंकि जो भी इस फील्ड में है उनकी प्रोफाइल पब्लिक होती है, तभी लोग उन्हें देख सकते हैं, उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। अगर प्रोफाइल उनकी प्राइवेट है मतलब समझ लीजिए कहीं झोल है। और अगर आपको चेक करना नहीं आता है या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए। आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर है, और मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आप उनकी URL या प्रोफाइल लिंक मुझे शेयर कर दें तो मैं उनको सर्च करके, अच्छे से उनकी प्रोफाइल चेक करके आपको बता सकती हूँ कि आप उनसे कांटेक्ट करें या ना करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते वो मुझे मैसेज नहीं कर सकते, मुझे DM नहीं कर सकते, मुझे टैग नहीं कर सकते। तो झटपट जाइए और मुझे फॉलो कीजिए और मैं आपकी हेल्प के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। सबसे बड़ी बात इस फील्ड में कही जाती है कि आप इवेंट्स में आए जाएं, कोई पार्टी होती है, कोई ओकेजन होता है, कोई इवेंट्स होते हैं, कोई शोज होते हैं, तो इनमें जाइए। क्योंकि यहाँ पे आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और इस फील्ड में कॉन्टैक्ट से ही बहुत बड़ा काम होता है। तो बिल्कुल जाइए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए, बॉन्डिंग बनाइए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी डिटेल जल्दी किसी से शेयर मत कीजिए।
आपके कॉन्टेक्ट ऐसे बनते हैं कि कोई आपकी हेल्प करने को राजी है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि बिना मतलब के कोई हेल्प नहीं करता। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो बदले में वो आपसे भी कुछ चाहेगा। हो सकता है वो आपसे पैसे की हेल्प चाहे, हो सकता है वो आपसे कॉम्प्रोमाइज की बात करना चाहे, हो सकता है वो किसी और तरह के लालच में आपकी हेल्प कर रहा हो। तो अगर कोई आपकी आगे बढ़कर हेल्प करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपको कुछ इस तरीके से गाइड करना चाहता है कि आप आगे बढ़ सकें, तो बिल्कुल क्लियर कर लें कि वो बदले में आपसे क्या चाहते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अगर कोई मुझे कोई प्रपोजल दे रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर लेती हूँ कि इसके बदले आप मुझसे क्या चाहेंगे, और वहीं पे बात क्लियर हो जाती है। आप निजी जिंदगी में जैसे भी रहे हों, मुंह फट रहे हों, हाजिर जवाब रहे हों, झगड़ालू रहे हों, तुनक मिजाज रहे हों, लेकिन जब आप इस फील्ड में आए हैं तो आपको पोलाइट होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, बिना बात के पंगा लेना बिल्कुल भारी पड़ सकता है, और इस फील्ड में ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर किसी से पंगे लेंगे तो हो सकता है आगे चलकर आपके काम में वो रुकावट डाल सकता है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से बेवजह ही उलझ पड़े हो जो आगे चलकर आपके काम आ सकता है, तो वहाँ पे आपका ये उलझना भारी पड़ सकता है। लिमिट क्रॉस ना हो जाए तब तक अपने गुस्से पर, अपने तुनक मिजाजी पे काबू रखें। हर किसी को आज के दौर में जल्दी गिल्ट, कोई भी हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो स्टडीज की हो, हर कोई जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहता है। उसे सफलता नहीं मिलती है या टाइम लग रहा है तो वहीं पे वो गिव अप कर देते हैं। ये फील्ड ऐसी है कि तुरंत आपको काम नहीं मिल सकता, तुरंत आपका नाम नहीं हो सकता, तुरंत आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये फील्ड आपसे थोड़ा सा धैर्य मांगती है। जैसी इमेज आप बनाएंगे वैसा ही काम आपके पास आएगा, तो आप जैसा काम करना चाहती हैं उसी इमेज को डेवलप कीजिए। अगर आप बोल्ड वर्क करना चाहती हैं तो बोल्ड फोटो शूट करा के उनकी फोटोज आप अपने सोशल साइट पे डाल सकती हैं। नीट एंड क्लीन काम करना चाहती हैं तो बोल्ड पिक्स पोस्ट करने की गलती न करें। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप जिस कैटेगरी में वर्क करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं, यानी सोशल मीडिया पर वही चीज पब्लिक को दिखनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और बात का ध्यान रखिए कि जो लोग इस फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं, जिनकी पकड़ है इस फील्ड में, इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे सीख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही हर किसी को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को फॉलो करेंगी तो उनके जो कंटेंट है उनसे आपको आइडियाज मिलेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, तो आप भी अपने कंटेंट को बेहतर बना सकेंगे। तो ये थे कुछ टिप्स जिनको ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर और भी कुछ सीखना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, कि मैंने भी धीरे धीरे कैसे ग्रोथ की है और अभी भी आगे बढ़ रही हूँ। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत आगे जाना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे, मुझे कोई जल्दी नहीं है पर मैं गिव अप भी नहीं करती। तो इसी तरह आप भी आगे बढ़िए और समझदारी से चलिए, रियल लोगों को पहचानिए और फेक लोगों से बचना सीखिए। आप ऐसी कोई गलती ना करें और मेरे सुझावों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली आपको बहुत फायदा होगा और आप धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाते चले जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है और आई बटन में भी वो वीडियो अवेलेबल है। मेरे पहले के भी मॉडलिंग से जुड़े हुए वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।